उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 19 सितंबर 2021 को कराए गए जीआईसी प्रवक्ता पदों की भर्ती की जो कट ऑफ है वो अनुमान के मुताबिक कितनी रह सकती है, इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक कैटेगरी वाइज और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई संशय है या आपका जो अनुमान है आप भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम जो है कमेंट्स बॉक्स में आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और अन्य सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर लगातार आपके लिए कट ऑफ बनाई गई है। इसमें UR, OBC, EWS, SC, ST और PH को जो है एक उसमें सपोर्ट पर रखा गया है, तो यहाँ से जो इनकी जो है ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, तो लगभग लगभग समानता ही आपको एक या दो अंकों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसमें 120 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे और 120 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन जो थे वो आपके GSK थे, जिसमें आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई सामने, क्योंकि आमतौर पर ये जो GS के 40 क्वेश्चन थे इसमें जो है अच्छा खासा पार्ट रहता था गणित या रीजनिंग या आपका जो अन्य पार्ट थे सब्जेक्ट के उनसे। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा पैटर्न में नया मोमेंट लाया आयोग और ये जो 40 क्वेश्चन है उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग वगैरह के थे, बाकी सभी क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन के थे और काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इस पार्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। यदि रिव्यू की बात की जाए तो काफ़ी स्टूडेंट से हमने बात की और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे जो IAS के लिए भी तैयारी कर रहे थे, UPSC के लिए, UPPCS के लिए, तो उन लोगों का भी रिस्पॉन्स यही निकल कर के आया कि 40 में से उनके जो क्वेश्चन थे वो 15 से यहाँ पर 22 तक निकल कर के आ रहे हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन थे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, तो ये जो है सही क्वेश्चन जो है उन लोगों ने इतने ही किए हैं। यदि अटैम्पिंग की बात की जाए कि कितने क्वेश्चन इस पार्ट में से अटैम्प्ट किए गए हैं, तो ज़्यादातर छात्रों का यही कहना था कि 18 से आपके जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर 28 के बीच ज़्यादातर क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और सही होने की जो पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन उसमें से गलत हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, तो 15 से 22 के बीच रेशियो निकल करके आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है उन लोगों का है जो इनका सिलेक्शन होना है, बाकी कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने 10 से 15 क्वेश्चन भी किए हैं, तो यहाँ से काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है माहौल। बाकी जो 80 क्वेश्चन थे वो आपके सब्जेक्ट के थे। सब्जेक्ट का ज़्यादातर लोगों ने बताया है, जितने भी यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश या आपके PCM या जो भी आपके सब्जेक्ट है इतिहास, भूगोल वगैरह, सभी ने जो है इसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स बताया है और कहा है कि इसका जो पेपर था सब्जेक्टिव तौर पर यदि लिया जाए तो PGT के मुकाबले आसान था। तो यहाँ से काफ़ी छात्र खुश थे अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने को लेकर के, लेकिन मेन जो है मेरिट का जो फोकस बनाएगा वो 40 क्वेश्चंस वाला बनाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में तो लगभग लगभग सभी, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो और अपने सब्जेक्ट के प्रति तो सभी ज़्यादातर जागरूक रहते हैं, तो यहाँ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो अंतर आएगा आपका यहाँ से, और इसमें फिर आपका जो है क्वालिफाइंग के लिए भी रखा गया है आयोग के द्वारा कि क्वालिफाइंग स्कोर एक आपको फेस करना होता है। जनरल के लिए वो 40% है, अन्य कैटेगरी के लिए वो आपका 35% है, तो वो आपको क्वालिफाई करना होता है। और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग की बड़ी जो है यहाँ पर आयोग ने पेशकश की थी, जिसको लेकर के जो कट ऑफ किस तरीके से निकल कर के आई सब्जेक्ट वाइज चलिए देख लेते हैं। इस बार की कट ऑफ और आपकी जो 2018 की कट ऑफ लगी थी उसको देखते हुए, क्योंकि वहाँ का पैटर्न और यहाँ के पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि GS वाला पार्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं परेशान थे और वो जो हैं 15 तक का स्कोर भी नहीं कर पाए हैं, तो वो कट ऑफ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। पिछली बार जो कट ऑफ थी
वो 70% के अबाउट ज़्यादातर सब्जेक्ट की रही थी। तो इस बार जो कट ऑफ है वो कहाँ पर बन रही है आप देख लीजिएगा। यदि हिंदी की बात की जाए तो ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चंस के बेसिस पर बता रहा हूँ, ये अंकों के आधार पर आपको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आपके 120 थे। यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हैं और हिंदी से आप जो है संबंध रखते हैं और आपका जो स्कोर है वो 85 प्लस बन रहा है तो ये देखिएगा काफ़ी अच्छा है यूआर कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और आपका जो स्कोर है वो 81 प्लस बन रहा है हिंदी से तो आपके लिए यहाँ पर मेंस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर है। और यदि आप जो हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं और 80 प्लस स्कोर आपका है तो आप जो है मेंस के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। 75 प्लस पर एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्शंस आसान रहेगा हिंदी सब्जेक्ट के लिए। बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में देखिएगा ये जो कट ऑफ है आपकी वो 80 प्लस यदि आपने स्कोर किया है यूआर कैटेगरी में तो बेहतर है। ओबीसी कैटेगरी आपकी है 77 प्लस स्कोर आपने किया है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं और आपका जो स्कोर है 75 प्लस है तो बढ़िया है। और यहाँ पर 72 प्लस स्कोर यदि एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट्स का है तो अंग्रेजी में उनका मेंस के लिए सिलेक्शंस हो जाएगा। बात करें फिजिक्स की तो यहाँ पर यदि फिजिक्स से आपने दिया है तो 75 प्लस यदि आपके क्वेश्चन हैं तो बहुत अच्छा है जनरल के लिए। और ओबीसी में 72 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 70 प्लस और आपका जो 65 प्लस है वो है एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट्स के लिए। केमिस्ट्री की वैकेंसीज अच्छी खासी थी इस बार और यहाँ पर संभावना यही है कि आपका जो जनरल कैंडिडेट हैं 76 प्लस उनके लिए बेहतर अवसर है। और यहाँ से यदि आप निकल कर के आते हो तो 73 में यदि आप प्लस करते हो तो ओबीसी में आपके लिए मेंस के लिए आसान होगा। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71 प्लस और एससी या एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 65 प्लस स्कोर केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर माना जाएगा मेंस के लिए। मेंस में आपके 13 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। और यदि बात की जाए तो जीएससी प्रवक्ता के लिए जो आपके सेंटर थे वो काफ़ी दूर थे जिसकी वजह से जो आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया उसमें बताया कि 33% ही उपस्थिति देखने को मिली। तो भिन्न भिन्न सेंटरों पर भिन्न भिन्न सब्जेक्ट के लिए अलग अलग उपस्थिति हालांकि हो सकती है लेकिन ज़्यादातर में जो है उपस्थिति कम ही देखने को मिली। लेकिन जिन लोगों ने पेपर दिया है वो तैयारी को लेकर के मजबूत रूप से तैयार होंगे तभी उन लोगों ने पेपर दिया है तो कट ऑफ तो आपकी इसी तरीके से बनेगी। मैथमेटिक्स की यदि बात की जाए तो मैथमेटिक्स में जो कैंडिडेट नंबर लाना चाहते हैं तो 80 प्लस उनका स्कोर होना चाहिए यूआर में। यहाँ पर यदि बात की जाए तो 77 प्लस जो है ओबीसी में और 75 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस में और आपका 70 के प्लस में होना चाहिए एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट्स के लिए। बायो ग्रुप की यदि बात की जाए तो बायो ग्रुप में देखिएगा 77 प्लस यूआर के लिए और 75 प्लस आपका ओबीसी के लिए 73 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए वो ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। और आपका एससी एसटी या पीएच है तो आपका स्कोर कम से कम 66 प्लस होना चाहिए तो आसानी से आपका। यदि बात की जाए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में तो 80 प्लस जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 77 प्लस जो क्वेश्चंस है वो ओबीसी के लिए सेफ रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 प्लस और एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट्स है तो 70 प्लस स्कोर आपका क्वेश्चंस में बेहतर स्कोर माना जाएगा। सिविक्स की यदि बात की जाए तो 87 प्लस क्वेश्चंस होने चाहिए यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 85 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 प्लस और आपका एससी एसटी या पीएच के लिए 77 प्लस स्कोर होना चाहिए कम से कम तो ही आपका जो है मेंस के लिए सिलेक्शंस होगा। भूगोल की यदि बात की जाए तो ज्योग्राफी में आपका जो जनरल कैंडिडेट्स है यूआर कैटेगरी से हैं तो 85 प्लस स्कोर चाहिए ही चाहिए, ओबीसी से हैं तो 82 प्लस चाहिएगा और ईडब्ल्यूएस से हैं तो 80 प्लस स्कोर आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप एससी एसटी या पीएच से हैं तो 75 प्लस स्कोर आपके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा मेंस एग्जाम्स के लिए। इतिहास में यदि बात की जाए तो कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगी और 90 प्लस आपकी ये कट ऑफ जाने की संभावना है सामान्य जाति के लिए, ओबीसी के लिए 85 प्लस जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस के लिए 82 प्लस और आपका एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट से हैं तो आपकी 80 के प्लस में आपकी रहेगी इतिहास सब्जेक्ट में। सोशियोलॉजी की यदि बात की जाए तो 86 प्लस है जनरल के लिए, 83 प्लस है ओबीसी के लिए, 80 है
और 75 है आपका एससी एसटी या पीएच के लिए। कॉमर्स सब्जेक्ट में यदि बात की जाए तो वैकेंसीज कम थी, जिसको लेकर के रेशो बनता है कट ऑफ का वो हाई बनता है, और 90 प्लस स्कोर जाने की संभावना है जनरल के लिए, 87 प्लस है आपका ओबीसी के लिए, और आपका 85 प्लस है ईडब्ल्यूएस के लिए, और 81 प्लस जो है बाकी कैटेगरी जो आपकी एससी एसटी या पीएच बचते हैं उनके लिए। होम साइंस की बात की जाए अंतिम रूप से तो होम साइंस में 77 प्लस स्कोर आप लोगों के लिए चाहिए जनरल में, 75 प्लस चाहिए ओबीसी में, 73 प्लस चाहिए ईडब्ल्यूएस में, और 75 प्लस चाहिए आपको एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो कट ऑफ का ब्यौरा है ये सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज हमने आपको देने का प्रयास किया है। यदि आपका भी कोई सुझाव है तो अपने अंक जो है आप नीचे लिख भेजिएगा, और अपनी जो एक्सपेक्ट कट ऑफ है वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में, ताकि विद्यार्थियों को आपके कमेंट्स देख करके कुछ लाभ मिल सके। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।